Hello students, in last class we have done exercise 1.5. Today we will start practical problems on union and intersection of two sets. ये हमने वेन डायग्राम से दिखाया इसको, ये यूनिवर्सल सेट है, दो सेट लिए हमने ए एंड बी, फाइनाइट सेट्स, ठीक है। ये ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट, तो ये पोर्शन जो हमारा ये वाला, ये क्या होगा ए माइनस बी, और ये वाला पोर्शन हमारा होगा बी माइनस ए, और जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसमें दो केस बनते हैं। हमने सपोज ये दिया, जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। If A intersection B is equal to 5, if A and B are disjoint sets, then number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B. ये कब होगा, जब A और B disjoint होंगे। दूसरा केस, जब में कुछ कॉमन है, अब देखिए number of elements in A union B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकल आएगा। एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एंड ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या इतना इसमें ऐड कर दिया, इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। नंबर एन ए इंटरसेक्शन बी ऐड किया और उतना ही हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसे देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये बी बन जाएगा पूरा, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी मिलके ए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसकी जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसज्वाइंट, अगर ए और बी डिसज्वाइंट नहीं है, डिसज्वाइंट है तो ये होगा, डिसज्वाइंट नहीं है तो ये होगा, क्लियर। चलिए इसी को हम एक्सटेंड कर लेते हैं तीन सेट्स के लिए, इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स, हमने तीन फाइनाइट सेट्स लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है,
तीन के लिए, अभी हमने दो के लिए किया उसको एक्सटेंड कर लिया हमने तीन के लिए, इसको मैं यहां से यहां तक सिंगल मानू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी, इसको मैंने एक सिंगल सेट मान लिया। अभी जो टू वाला फॉर्मूला टू के लिए अप्लाई किया था उसी को यहां अप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो टू के लिए फॉर्मूला था अभी हमने ड्राइव किया था उसको हमने अप्लाई कर लिया, हमने इसको सिंगल सेट मान के किया। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, फिर से यहां पर डबल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, इसको देखिए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी, एन ए प्लस एन बी माइनस प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है यहां तक। अब इसको फिर से हमने एक सेट मान लिया, इसको एक ए यूनियन बी मान लीजिए सपोज, तो क्या हुआ अभी जो हमने दो के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया था, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन एन, नीचे लिख लेते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब ये हो गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक ही बात है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हमारा तीन सेट्स के लिए, थ्री फाइनाइट सेट्स के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन होंगे। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको कर लेते हैं, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल 27 है देर आर 200 इंडिविजुअल्स, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, 120 हैव बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1 एंड 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू, देर आर थ्री पार्ट, फर्स्ट वन द केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, सेकेंड वन केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 एंड थर्ड वन इज केमिकल C1 और केमिकल C2। तो ये तो हमें मान लिया हमने यूनिवर्सल सेट, कितने टोटल इंडिविजुअल्स हैं 200, तो NU हो गया। A माना हमने सेट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड विथ केमिकल C1 एंड B इज द सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड विथ केमिकल C2। तो NA इज 150, ये हमें गिवन 120 एंड एन बी इज 50 विच आर एक्सपोज विथ केमिकल C2
and 30 are those which are exposed to both chemical C1 and C2. Both के लिए मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन. बोथ के लिए क्या यूज करते हैं हम, इंटरसेक्शन. बोथ है एंड है, दोनों के लिए इंटरसेक्शन. कितने हमारे 30. फर्स्ट पार्ट था केमिकल C1 से एक्सपोज बट नॉट एक्सपोज विथ केमिकल C2. तो हमें फाइंड करना है Na-B फर्स्ट पार्ट में. कहने का मतलब ये है, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2. अब देखिए A इज A-B यूनियन A इंटरसेक्शन D. क्लियर, इसको जरा वेन डायग्राम से बना लेते हैं हम. दिस वन इज A-B एंड दिस इज A इंटरसेक्शन B. अब इन दोनों को मिला दें तो हमारा क्या आता है, A आता है. तो A कैन बी रिटन एज A-B यूनियन A इंटरसेक्शन B. ये जो शेडेड रीजन है और जो ये कॉमन पोर्शन है, इनका अगर यूनियन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, A. अब इसको देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A फॉर्म लगा लें. एक सेट ये मान लिया, एक सेट ये मान लिया, जैसे इसको माने A, ये B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A-B यूनियन A इंटरसेक्शन B. अब ये टू सेट्स वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई कर सकते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A-B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू बट दे आर डिसजॉइंट. ये डिसजॉइंट सेट्स है, देखिए ये वाला सेट अलग है, ये सेट अलग है, दे आर डिसजॉइंट. तो इसकी जरूरत है ही नहीं हमें, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस. क्लियर, इसको लेफ्ट साइड ले गए. दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A-B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. क्लियर, टेक दिस वन टू लेफ्ट साइड. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 120, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B 30, आंसर इज 90. तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2 इज इक्वल टू 90. क्लियर, सेकेंड पार्ट सेम है, मैं इसी में कर देता हूं. देखिए सेकेंड पार्ट में जो है उसने कहा है B- है एक्सपोज विथ केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1. तो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B-A. इन प्लेस ऑफ A यू कैन राइट B एंड हियर B-A दिस वन एंड यूनियन A इंटरसेक्शन B. क्लियर, अब इसको एक सेट मान लिया, मैंने इसको एक सेट मान लिया. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B-A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, दे आर डिसजॉइंट सेट, देयरफॉर इट्स एनफ. A यूनियन B नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. तो इसको हमने लेफ्ट साइड ले जाएंगे, टेक दिस वन टू लेफ्ट साइड, देन यू विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B-A. Here you will write 50 and this one is 30. So answer is 20. Clear? And third part, the number of individuals exposed with chemical C1 or C2 or word use kiya hai. In third part, A or B. A or B means A union B. तो और के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनियन. एटलीस्ट के लिए मैंने बताया था क्या यूज करते हैं, यूनियन. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. एंड दिस इज 120, दिस वन इज 50 एंड दिस वन इज 30, दैट इज 140. क्लियर, तो ये हमारा एग्जाम्पल था, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. चलिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, वेरी सिंपल एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1.6. ऑल आर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ मैं करता हूं कुछ आप करेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इज इक्वल टू 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
x union y is equal to 38. Then find number of elements in x intersection y. This is the question. Or we know that number of elements in x union y is equal to number of elements in x plus number of elements y minus number of elements in x intersection y. Take this one to left side. Minus x union y. Now put the values 17, 23 and 38. And this will be 17 plus 23 minus 38. This is 40, 40 minus 38, 2. Clear? So, step question hai isme. Next one, same step pe question hai. Isme diya hai. If x and y two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, then you have to find the number of elements in x intersection y. Same question is there. Now question number, take 6th question. I take 6th question. In a group of 70 people ka group hai, 37 like coffee. 37 like coffee. Here C denotes set of those who like coffee. And 52 like tea. And each person like at least one of the two drinks. So, kam se kam ek drink zarur like karta hai. Unme se ya to tea ya coffee. How many people like both coffee and tea? So, we have to find here both means intersection, and this is union. ये group है, group में से कोई ना हर एक व्यक्ति एक drink को जरूर like करता है. Now the formula is NC plus NT minus NC union T. Clear? NC is 37, this one is 52 and this is 70. Answer is 19. So 19 people are those who like both coffee and tea. Clear? Now the question number 7. In question number 7, in a group of 65 people, now 65, 40 likes cricket, 10 like both. 40 like cricket and 10 like both cricket and tennis. Cricket and the intersection tennis. How many like tennis only? How many like only tennis? And second part is how many like tennis? So, and only tennis. First one, dekho yahan se dekhe, Venn diagram se. Ye cricket, tennis. Cricket wale hamare 40. Ab hame only tennis. Only tennis, matlab this one. Only tennis matlab T minus. This is C intersection T. So, only tennis ke liye हम क्या निकाल सकते हैं? N T minus N C intersection T. Clear? T में से N T में से N C intersection T minus करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? Only tennis वाला. तो tennis हमें मालूम नहीं है. ठीक? पहले हम tennis का निकाल लेते हैं. इसको ही छोड़ देते हैं हम. देखिए N C union T is equal to NC plus NT minus NC intersection T. This one is 65, NC is 40 and this is to find NC intersection 10. 30, take this one.
So this implies and t is equal to 35. टोटल 35 हो गया. Therefore, only tan is from here. Anti is 35 and intersection is tan, that is 25. So 25 are those who likes tan is only. Question number 8, last one of this exercise. In a committee, 50 people speaks French. French बोलने वाले कितने हैं? 50. And 20 speak Spanish. And 10 speak both French and Spanish. Both के लिए intersection कितना है? 10. Then how many speak? At least one of these two. At least. अभी मैंने बताया at least के लिए क्या है? Union. How many speak at least one of these two languages? So NF plus NS minus F intersection S. NF is 50 plus 20 minus 10, that is 60. In this way, this exercise is finished. So thank you. Next class mein karenge. Okay.